क्या आपका भी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट स्पीड में नहीं जा रहा है? इसका मतलब है कि आपने YT स्टूडियो में बहुत सारे सेटिंग को ऑन नहीं किए हैं, जिसके कारण आपका YouTube वाले शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में नहीं भेज रहे और आपके वीडियो का इंप्रेशन बहुत सारे लोगों के पास नहीं भेज रहे, जिसके कारण आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। आज मैं आपको उस सेटिंग को ऑन करने का तरीका बताऊंगा और आपका अगर आप उस सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो आपका भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल होने लगेगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। उस शर्त को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको मोस्ट रिसेंट में क्लिक कर देना है, मोस्ट रिसेंट। उसके बाद आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पब्लिक करना है ताकि आपका वीडियो हमेशा पब्लिक रहे। उसके बाद आपको लेस देन और मोर देन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लेस देन नहीं करना है, मोर देन करना है, ताकि आपका वीडियो का व्यू हमेशा बढ़ता रहे। लेस देन का मतलब आपका वीडियो का व्यू घटते रहेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा रिस्ट्रिक्शन का, इसका मतलब होता है कि आपका कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक यहीं से आता है। अगर आपका मेड फॉर किड्स का मतलब हो गया कि आपका वीडियो 18 साल के नीचे वाले बंदों के पास जा रहा है, और मेड फॉर किड्स का मतलब सेट मेड फॉर किड्स का मतलब हो गया कि आपका वीडियो 18 साल के ऊपर वाले बंदों के पास जा रहा है, और नॉट मेड फॉर किड्स का मतलब हो गया कि आपका वीडियो 18 साल के नीचे वाले बंदों के पास भी जाएगा और 18 साल के ऊपर वाले बंदों के पास, इसलिए आपको नॉट मेड फॉर किड्स का सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पब्लिश अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद साइड में आपको फिर से 3 डॉट का ऑप्शन दिखता होगा, उस पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको पब्लिश वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है ताकि आपका कमेंट हमेशा पब्लिक रहे। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस का ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो है वही रहने देना। उसके बाद आपको सर्च कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सर्च फॉर कीवर्ड मतलब कीवर्ड को आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन मिलता होगा, ताकि आपका पब्लिक सब्सक्राइबर्स कर देना ताकि आपका सब्सक्राइबर हमेशा पब्लिक रहे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले होंगे, सब्सक्राइबर काउंट, ये सबसे ज़्यादा मेन है। आप यहाँ पर जितना भी सिलेक्ट करके रखोगे आपका सब्सक्राइबर उतना ही काउंट होगा, अगर आप कम सिलेक्ट करोगे तो आपका सब्सक्राइबर कम काउंट होगा, इसीलिए आपको 10 मिलियन पे कर देना ताकि आपका सब्सक्राइबर का रीच भी बढ़े और आपका सब्सक्राइबर भी ज़्यादा काउंट हो। और ये ट्रिक तभी काम करेगा अगर आपका वीडियो का वॉच टाइम ज़्यादा होगा, मतलब वॉच टाइम हो गया, अगर जैसे देखिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो 60 सेकंड का वीडियो होता 80+ रहना चाहिए, 80%+। अगर आपका 45 सेकंड का वीडियो होता 75+ रहना चाहिए, तभी आपका वीडियो वायरल होगा, वरना नहीं होगा। ये ट्रिक तभी काम करता है जब आपका वॉच टाइम ज़्यादा रहेगा। अगर आपका वॉच टाइम कम रहेगा तो आपका वीडियो का इंप्रेशन कम जाएगा और आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, इसीलिए आपको वॉच टाइम बढ़ाना है। अगर आपको नहीं बढ़ाने आता तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हो सस्पेंस क्रिएट करके। तो उसके बाद आपको अप्लाई कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।